الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كعبة الله اول عالم وسط عالم اور مرکز عالم ہے. یہ انسانوں کے دلوں کا مقناطیس ہے, جیسے لوہے کا مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے, یہ انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. چنانچہ کوئی بھی مسلمان ہو, امیر ہو یا غریب, گورا ہو یا کالا, مشرق میں ہو یا مغرب میں, آپ پوچھیں کہ آپ کے دل کی تمنا کیا ہے تو جواب ملے گا ایک دفعہ اللہ کا گھر دیکھ لیں. یہ چھپی ہوئی خواہش ہر اس بندے کے دل میں ہوتی ہے جس کے گھر کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا. حتیٰ کہ بکریوں کا چرانے والا جس کے پاس وسائل نہیں ہے, اس کے دل کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک دفعہ اللہ کا گھر دیکھوں. اس لیے اللہ کے گھر تک پہنچنا اس کا تعلق اعمال سے ہے, مال سے نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بہت مال ہوتا ہے اور وہ بیسیوں چکر لگاتے ہیں یورپ کے اور خوب دنیا دیکھتے ہیں, لیکن ان کو اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار نصیب نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ وہ آتے نہیں, بلکہ یوں سمجھیں کہ ان کو آنے کا راستہ نہیں دیا جاتا, توفیق ہی نہیں ملتی ان کو آنے کی. اور کئی ایسے لوگ کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں. اس عاجز کو اپنے بچپن کی بات یاد ہے کہ اپنی والدہ صاحبہ کو دیکھتا کہ جب بھی وہ نماز پڑھتی تو نماز کے بعد ایک تسبیح ان کے پاس ہوتی تھی تو وہ ایک آنکھ بند کر کے اس تسبیح میں دیکھتی رہتی تھی. تو جب دیکھ چکتی تو میں کہتا کہ امی مجھے بھی دکھائیں, تو مجھے بھی دکھاتی. تو تسبیح کے اندر اصل میں اس زمانے میں بیت اللہ کی چھوٹی سی تصویر ہوتی تھی جو ایک طرف سے آنکھ بند کر کے دیکھتے تھے تو نظر آتی تھی. تو امی اس کو بہت دیر تک بیٹھ کر دیکھتی رہتی تھی. تو اس زمانے میں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس کی تصویر ہے, البتہ اتنا پتہ چلتا تھا کہ بھائی کوئی مسجد جیسی کوئی جگہ ہے. یہ ان کے دل کی ایک تڑپ تھی کہ وہ تصور کی آنکھ سے
दूर बैठे अल्लाह के घर को रोजाना देखती थी और फिर दुआएं मांगती थी कि अल्लाह इस घर तक पहुंचना आसान कर दे। माली वसाइल नहीं थे इब्तदा में कि वो पहुंच पाती, मगर मोहब्बत का जज्बा दिल आखिर रंग दिखाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने घर तक आने का रास्ता उनके लिए खोल दिया। जब बैतुल्लाह को देखा तो तब बात समझ में आई कि जिंदगी के सालों इसकी याद में और तड़प में उन्होंने अपने घर में गुजारे। तो लोग जिंदगी के कई कई साल तड़पते हैं यहाँ आने के लिए, बिल आखिर जाकर कहीं रास्ता खुलता है और फिर अल्लाह ताला बगैर असबाब के रास्ते खोल देते हैं। हजरत मौलाना इदरीस कांधली रहमतुल्लाह अलैह जामिया शर्फिया के शेख अल हदीस थे और मुफस्सिर कुरान भी थे, बहुत बुजुर्ग आदमी थे। वो लाहौर के एक गवाले का वाक्य सुनाया करते थे। गवाला कहते हैं जिस आदमी ने भैंसे पाली हो और उनसे दूध लेता हो, बेचता हो, उसको गवाला कहते हैं। फरमाते थे कि एक नौजवान था लाहौर का, उसके दिल में बड़ा शौक था कि मैं अल्लाह का घर देखूं, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं थे। हमेशा दुआ मांगता, रोता, तड़पता। हज का मौसम आता, गुजर जाता और उसकी उस तड़प में इजाफा कर जाता। हर साल उसकी तड़प पहले की निस्बत बढ़ती जाती। एक मतलब उसने ठान ली कि मैंने अब अल्लाह के घर को जाकर देखना है। न उसके पास कागजात, न पासपोर्ट, न कोई और। ये वो जमाना था जब हवाई रास्ते से हज के लिए नहीं आया जाता था, बल्कि बहरी रास्ते थे। एक जहाज था जिसका नाम था सकीनतुल हुज्जाज, वो कराची से चलता था और हाजियों को लेकर मक्का मुकर्रमा आता था, जद्दा आता था। मुल्क के बहुत सारे शहरों में लोगों को ये भी पता नहीं था कि हज के लिए जाते कहाँ से हैं। उस जमाने में इतना भी पता नहीं था। फरमाते हैं कि उसने बस कहना शुरू कर दिया कि मैंने हज पे जाना है। कैसे जाएं कुछ पता नहीं। सुना उसने कि भाई कुछ अरसे के बाद हज का मौका आने वाला है। लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि भाई हज पे जाते कहाँ से। किसी ने कह दिया कि मियां रेलवे स्टेशन है ना लाहौर का, वहां से ट्रेन चलती है कराची जाती है, वहां से जहाज चलता है जो जद्दा जाता है। चुनाचे वो लाहौर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया, कभी इस प्लेटफॉर्म पे, कभी उस प्लेटफॉर्म पे, कभी इससे पूछ रहा है सवारी से, कभी किसी काम करने वाले गवर्नमेंट के किसी बंदे से पूछ रहा है। मैंने कराची जाना। कई दिन उसको प्लेटफॉर्म पर ही गुजर गए। टिकट थी नहीं कि कोई ले जाता था और ये जाना चाहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक कंडक्टर गार्ड जो था वो इसके ऊपर कुछ उसको तरस आ गया। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें सवारियों वाले डब्बे में तो बिठा नहीं सकता कि टिकट नहीं है, आओ मेरे डब्बे में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची उतार दूंगा। लो जी, कंडक्टर गार्ड ने उसको अपने वाले डब्बे में, जहाँ छोटी सी जगह थी उसमें बिठा दिया। ये बैठा रहा, बिलाखिर कराची रेलवे स्टेशन के ऊपर उतर गया। फिर वहां प्लेटफॉर्म से पूछना शुरू कर दिया कि मैंने तो हज पे जाना है, कहाँ से जाते हैं। किसी ने बताया मियां एक जगह है जिसको मदीनतुल हुज्जाज कहते हैं, हाजी लोग सब वहां जाते हैं,
और वहाँ से फिर उनके कागजात तैयार किए जाते हैं और उनको जहाज पर भेजा जाता है। किसने कहना शुरू कर दिया जी मदीनतुल हुज्जाज जाने। अल्लाह की शान के कुछ सवारियाँ थी जो रेलवे स्टेशन से उतरी और वो मदीनतुल हुज्जाज जा रही थी और उनके पास गुंजाइश थी। उन्होंने इसको भी कहा कि आओ हमारे साथ बैठ जाओ हमारी गाड़ी में। मदीनतुल हुज्जाज उतार दिया। अब वहाँ पर तो हजारों लोग हज पे जाने वाले तैयारी करके आए। उस जमाने में वहीं पे पासपोर्ट बनता था, कागजात तैयार होते थे, टिकट होती थी और जिनके कागजात तैयार हो जाते थे उनको वहीं से जहाज पर बिठा देते थे। अब ये कहता जा रहा है कि जी मैंने हज पे जाना है, हज पे जाना है। लोगों ने कहा भाई तेरे पास पासपोर्ट नहीं, टिकट के पैसे कहते नहीं, कोई चीज कहते कुछ भी नहीं, और जाना कहाँ है कहते अल्लाह का घर देख लें। लोग बड़े हैरान कि ये नौजवान कैसे जा सकते हैं। हत्ता कि वो दिन आया कि जिन लोगों के कागजात तैयार थे उनको जहाज पर बिठाया जाने लगा। किसने देखा कि उनका सामान ले जाने के लिए मजदूर हैं जो नीचे से सामान उठाकर बहरी जहाज के ऊपर लोड कर रहे हैं। खास किस्म की वर्दी उन्होंने पहनी हुई है। अब लोग भी देख रहे थे मंजर, ये भी देख रहा था। इसने क्या किया कि उनमें से एक नौजवान से बात की कि यार अपनी वर्दी मुझे दे दो, तुम बैठ के आराम से मजे करो और तुम्हारी जगह ये जो भारी भारी सामान है ना ये उठा के मैं ले जाऊंगा। और जब आखिरी दफा वहां सामान पहुंचेगा तो ऊपर से तुम्हें वर्दी में दूसरे लड़के के हाथ वापस भिजवा दूंगा। उस नौजवान ने भी सोचा कि चलो ये 8 घंटे जो मुझे इतना भारी सामान सर पे उठा के ले जाना है, आज मजे करो बैठ जाओ। उसने अपनी वर्दी इसको दे दी। अब ये नौजवान हाजियों का सामान ऊपर पहुंचा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। क्योंकि ये मजदूर काम करने वाले थे तो इनकी सामान की, इनकी कागजात की चेकिंग नहीं हो रही थी। जब आखिरी दफा ये ऊपर सामान लेकर गया, वहां जाकर इसने कपड़े अपने तब्दील कर लिए और वो वर्दी जो थी वो दूसरे लड़के के हाथ नीचे पहुंचा दी। और ऊपर तो जहाज में पूरा एक मोहल्ला आबाद होता था, हजारों लोग होते थे, किसी का पता नहीं चलता था। जो चेकिंग होती थी वो नीचे ही होती थी, चढ़ने से पहले, चढ़ने के बाद तो कोई चेकिंग ही नहीं। चुनाचे वहां कभी ये इधर बैठ जाता, कभी अरशे पे बैठ जाता, कभी किसी के साथ खड़े होकर बातें करने लग जाता। लोग समझते हैं कि ये अपने कमरे में बैठ बैठ के थक गया है तो बाहर आ गया है। और भी लोग बाहर समंदर का नजारा करते रहते थे। इस तरह इसने सफर करते करते बिल आखिर जो दरमियान में कुछ दिन लगते थे वो गुजार दिए। एक इसका दोस्त बन गया। इसने अपने दोस्त को कहा कि यार जब वो जद्दा शहर करीब आ जाए ना तो मुझे बताना। उसने कहा बहुत अच्छा। अल्लाह की शान के कोई आधी रात का वक्त था जब जद्दा शहर की रोशनियां कुछ नजर आई, तो उस वक्त सी पोर्ट इतना बड़ा तो नहीं था, छोटा सा था, एक आध जहाज लगने की जगह थी। उसने इसको बता दिया देखो वो सामने रोशनियां नजर आ रही हैं जद्दा है। अब ये जो नौजवान था ये सामने देख रहा है उस जगह को, पता नहीं इसके दिल में क्या आया। अचानक वो जो जहाज के ऊपर खड़ा था, छत के ऊपर पहले ही खड़ा था, इसने जी अल्लाह अकबर कह के समुंदर के अंदर चला गया। अब इसके दोस्त ने हैरान होकर देखा कि ये क्या बना। अब वो देखकर आ कि शायद ये बाहर निकलेगा, ऊपर आएगा, तैरेगा, उसका तो नाम निशान नहीं। ऐसे लगता था जैसे नीचे गया और नीचे ही चला गया। इस नौजवान को खौफ भी हुआ लेकिन ये चुप कर गया कि मैं क्यों किसी को बताऊं, कोई मुझे ये कह देगा तुमने धक्का दिया।
तो उल्टा मुजरिम मैं बन जाऊंगा, मेरे सर पे मेरे गले पड़ जाएगा, इससे खामोशी अख्तियार कर लिया। मगर ज़हनी तौर पे इसको बड़ा सदमा था। खैर जहाज लगा, उसके बाद कागजात देखे गए, इनको बाहर निकाला गया। ये जो दोस्त था इसने हज किया। हज मुकम्मल होने के बाद मक्का मुकर्रमा में चंद दिन ये रह रहा था। अचानक इसने देखा कि जुम्मात का वक्त जब हुआ तो वही लाहौर का गवाला अरबों जैसा लिबास पहना हुआ चोगा, टोप पहनी हुई और अरबी रुमाल रखा हुआ उसने, और वो भी नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ के जाने लगा। तो ये दोस्त उठा, भागा, उससे कहा तू फलां तो नहीं है? कहने लगा हाँ मैं वहां वही हूँ। उसने कहा यहाँ कैसे? कहते अगर सारी तफसील सुननी है तो मेरे साथ आओ। वो साथ हो लिया। अब जब बाहर निकला तो क्या देखता है कि एक बिल्कुल नई गाड़ी खड़ी हुई है और उसमें एक ड्राइवर भी है। अब ये बैठ गया और उसको कहते हैं कि अंदर बैठ जाओ, ये भी बैठ गया। हैरत पहले से ज्यादा हो गई कि ये क्या बना हुआ। खैर गाड़ी चली और चलते चलते बिलाखिर शहर में एक कोठी सी बनी हुई थी, उसके अंदर दाखिल हुई। ये बाहर निकला तो गवाले ने इसे कहा आओ आओ ये मेरा घर है, आओ आपको मैं बिठाता हूँ। और हैरान हुआ कि ये क्या बातें कर रहा है। देखा कि ड्राइंग रूम है और बड़ा सोफे लगे हुए हैं और खूबसूरत बना हुआ है। कुछ उसने पीने के लिए इसको ला कर दिया। इसने कहा भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे आप बताओ कि ये मसला है क्या। अब गवाले ने बात खोली, कहने लगा मसला ये है कि बस मेरे दिल में शौक था मैंने अल्लाह का घर देखने, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं थे। मैं अल्लाह तवक्कुल चल पड़ा। जब तुमने बताया कि सामने जद्दा शहर है तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह अब छलांग लगाना मेरा काम है, घर तक पहुंचाना तेरा काम। कहते हैं मैंने पानी में छलांग लगा दी और तैरना मैं जानता नहीं था, तो डुबकियां खाने लगा। अब डुबकियां खाते खाते जो समुंदर की लहरें होती हैं ना, उन्होंने मुझे धकेलना शुरू किया और मेरे पेट में बहुत सारा पानी भी चला गया। और मैं अपनी जिंदगी बचाने की कशमकश में अचानक जो हाथ मारे तो लगा कि जैसे अब पानी जरा कम हो गया और किनारा करीब है। कहते बिल आखिर मैं किनारे तक पहुंचा, लेकिन चूंकि मेरे पेट में बहुत पानी भर चुका था मैं बेहोश होकर लेट गया। उसमें मेरे मुंह से पानी भी निकलता रहा, पेट का सारा पानी वापस निकल आया। काफी देर के बाद कुछ मेरे औसान बहाल हुए तो मुझे महसूस हुआ कि भाई अब तो फजर का वक्त भी करीब है और किनारे पे भी मैं लग गया हूँ। मैंने कहा कि चलो उठूं और जाऊं अंदर, सुबह हो गई तो लोग मुझसे कागजात पूछेंगे। कहते आगे गया तो आगे लोहे की ग्रिल लगी हुई थी और दरवाजे को ताला था, तो मैं तो बाहर जा नहीं सकता था। मैंने वो ग्रिल के साथ साथ चलना शुरू किया कि भाई कहीं से कोई रास्ता मिल जाए। एक कोने में कहने लगा एक घर था और उस घर का सेहन उसी ग्रिल की तरफ खुलता था। मैं वहां करीब हुआ तो मैंने क्या देखा कि एक अजीब मंजर है। दो आदमी हैं जो एक गाय का दूध निकालना चाहते हैं, मगर उनको गाय का दूध निकालने का तजर्बा बिल्कुल नहीं था, तो गाय उनके काबू नहीं आती थी। अब एक जो है वो उसकी टांगों को पकड़ता, रस्सा डालता, दूसरा गिलास लेके नीचे बैठता, अभी थोड़ी सी उसने दूध निकाला होता तो गाय फिर लात मार देती, इधर की उधर हो जाती। एक कुश्ती हो रही थी उन दो बंदों में और गाय में।
कहते जब मैंने ये मंदिर देखा तो मैंने वो ग्रिल जो थी उसको थपथपाया, नॉक किया, उन्होंने मेरी तरफ देखा। जब मेरी तरफ देखा तो मैंने उनको कहा कि देखो ये मैं जानता हूँ दूध निकालना गाय का। जब यूं हाथ का इशारा किया तो पहले तो वो नहीं समझे, फिर उन्होंने मेरे करीब आकर पूछा क्या है मसला। मैंने कहा कि ये जो है ना मैं तुम्हें निकाल के देता हूँ। वो तो पहली मुसीबत में थे, कुश्ती लड़ रहे थे बेचारे। उनमें से एक अंदर गया और उसने घर जाके घर वाली खातून जो थी उसको बताया। अब सूरत हाल ये थी कि ये घर था उस सी पोर्ट के इंचार्ज का, जो बड़ा इंचार्ज था वहां का। उसको अल्लाह ने एक बेटा दिया। उस जमाने में खुश्क दूध के डब्बे होते नहीं थे, फीडर नहीं होते थे, या मां दूध पिलाती थी या फिर गाय वगैरह का दूध होता था। अब कुदरतन मां का दूध उस बच्चे को मुआफिक नहीं था, तो बच्चे को गाय का दूध पिलाया जाता था। लेकिन गाय का दूध निकालने का तजर्बा वहां किसी घर के नौकर को नहीं था, लिहाजा वो गाय का दूध निकालने बैठते तो गाय लाते मारती और उनको दूध निकालने ना देती, और एक हंगामा। कभी एक गिलास निकलता, कभी ना निकलता, कभी बच्चा भूखा, कभी पेट भर जाता। अब जब इन दो बंदों ने जाके उसको कहा कि जी इधर एक बंदा है मुसाफिर लग रहा है और वो कहते हैं कि मुझे तजर्बा है मैं निकाल देता हूँ दूध, तो माँ तो चाहती है ना कि मेरे बेटे के लिए वाफिर मिकदार में दूध हो। उसने कहा हाँ ठीक है। उसने चाबी निकाल के दी कि दरवाजा खोलो और इसको लेके आओ। कहने लगे वो बंदा आया, उसने दरवाजा खोला और मुझे लेके गया। मैंने उन दोनों को आराम से बिठा दिया एक तरफ कि तुम बैठ जाओ, और गाय को मैंने कमर पर हाथ फेरा। और गाय जानवर पहचान लेता है कि भाई हाथ फेरने वाला बंदा तजर्बाकार है या नहीं। जैसे ही मैंने हाथ फेरा तो गाय जो थी वो बड़े आराम से खड़ी हो गई, दूध देने के लिए तैयार। मुझे चूंकि तजर्बा था मैंने उनसे बड़ा बर्तन मंगाया, और बड़ा बर्तन मंगा के जब मैंने उसका दूध निकाला तो वो तो 2-4 किलो था। उसको देख के तो वो हैरान रह गए, इतना दूध निकल सकता है? वो तो एक गिलास में दूध निकालते थे। अब जब वो इतना दूध लेके अंदर गए तो उस अफसर की बीवी की तो आंखें खुली रह गई, इतना ज्यादा दूध मेरे बच्चे के लिए। अब खुशी से उसकी तो हालत बुरी। उसने कहा अच्छा जो भी है इस बंदे को नहीं जाने देना। लो जी मुझे उन्होंने घर में एक जगह बिठा दिया और मुझे नाश्ता भी करवाया, कहा आराम करो बस तुम इधर रहो। जब उसका खाविंद उठा उसने खाविंद को भी बताया कि देखो जी ये तो हमारे साथ खुदाई मदद हो गई है, मेरे बच्चे के लिए अल्लाह ने दूध का इंतजाम कर दिया और देखो इस बंदे को जाने नहीं देना। अब वो अफसर आया, उसने मुझसे आके मुझसे क्या कागजात पूछने थे। उसने मुझे कहा कि अच्छा भाई तुमने यहाँ से जाना नहीं। मैंने कहा नहीं मैंने तो अल्लाह के घर जाना है। वो हर बार कहे कि तुमने कहीं नहीं जाना और मैं हर बार कहूँ कि मैंने अल्लाह के घर जाना। वो मुझे तसलियां दे अच्छा अच्छा तुझे भेज देंगे। मैं खैर उसके पास रहने लग गया। कोई 10-15 दिन के बाद उस औरत ने अपने वालिद को फोन पर बताया कि मेरे बच्चे के लिए दूध का बड़ा मसला था, वो इस तरह हल हो गया, हमें एक बंदा मिला है वो दूध बहुत अच्छा निकाल लेता है। उसके वालिद की कोई 10-12 गायें थी और उसको भी दूध निकालने की प्रॉब्लम थी कि नौकर चाकर दूध निकालना नहीं जानते थे। उसने कहा बेटी फिर ऐसे करो कि उस बंदे को मेरे पास मक्का मुकरमा भेज दो और दूध मैं यहां से बंदोबस्त कर दूंगा आपके बच्चे के लिए। लो जी क्या हुआ कि ये गवाला वहां से मक्का मुकरमा पहुंच गया। अब उस बंदे ने उसको 1-2 दिन अपने पास रखा। कहने लगा मेरे लिए 10-15 गायों का दूध निकालना कौन सा मसला था, जब मैंने उनके कई बर्तन भर दिए दूध से तो
तो वो बंदा तो बड़ा हैरान, वो मुझे कहे तुमने यही रहना है। मैंने कहा मैंने अल्लाह के घर जाना है। वो मुझे समझाए तुमने यही रहना है। मैं उसे कहूँ नहीं मैंने अल्लाह के घर जाना है। दिल आखिर उसने कहा कि यार तुझे भी अल्लाह का घर दिखाएंगे मगर तूने रहना यही है। देखो ये जो घर है ना ये मैंने नया बनवाया था लेकिन ये मैं तुम्हें देता हूँ, तुम यहाँ रहो और गाड़ी भी तुम्हें देता हूँ और अब तुम अपने घर का पता बताओ ताकि आखिरी जहाज एक आ रहा है हम तुम्हारे बीवी बच्चों को भी वहां से मंगवा लेते हैं। कहते मैंने उनको अता पता बता दिया, उन्होंने मेरे बीवी बच्चों को मंगा लिया। अब मैं यहाँ रहता हूँ, हज भी मैंने किया, अल्लाह का घर भी देखा, गाड़ी भी मेरे पास है, जब चाहता हूँ हरम में आके नमाज पढ़ता हूँ और अल्लाह ने मुझे यहाँ पर हर नेमत अता कर दी। और जब मेरी मुराद थी जो लेकर मैं घर से निकला था अल्लाह ने मेरी मुराद को भी पूरा फरमा दिया। तो हजरत मौलाना इदरीस कांदिली रहमतुल्लाह अलैह ये वाकया सुनाकर कहते थे काश लाहौर के एक गवाले के दिल में अल्लाह का घर देखने की जो तमन्ना थी वो तमन्ना हमारे दिल में भी आ जाती। फिर अल्लाह रास्ते खोल देते हैं। हमारे अकाबिर सालों दुआएं मांगते थे सालों, और ऐसा भी होता था कि जब आने लगते थे तो घर के बर्तन भी बेचने पड़ते थे, जेवर बेचने पड़ते थे, फिर जाके कहीं खर्चा पूरा होता था और फिर जाकर यहाँ पहुंचते थे। हम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना बड़ा करम हुआ, अल्लाह ने अपने रहमत से अपने फजल से हमें यहाँ आसानी के साथ पहुंचा दिया। आज जो ये कह रहे हैं ना कि इसका ताल्लुक आमाल से है, इसका ताल्लुक माल से नहीं है, इसलिए कि माल के जोर पर अगर कोई कहे कि मैं हज्जे करूंगा उमरे करूंगा तो फिर दुनिया के मालदार लोग सबसे ज्यादा हज और उमरे करने वाले होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। चुनाचे हमने अपनी जिंदगी में एक वाकया देखा, अल्लाह अकबर, आज भी सोचते हैं कांपते हैं, क्या कि अमेरिका से एक जोड़ा चला, लिखा पढ़ा हज करने की नीयत से, और जो मर्ज है ना आज वीआईपी हज, वो वीआईपी हज उनके जहन में भी यही था वीआईपी हज करने, उनको अपने पैसों का बड़ा मान था, बड़ा नाज था। चले आ भी गए, उसी ग्रुप में थे जिस ग्रुप में हमने हज करना था। हमने देखा कि उनकी तबीयतें ऐसी थीं, हर चीज पे इतराज, ये चीज अच्छी नहीं, ये भी अच्छी नहीं, ये भी अच्छी नहीं, ये भी अच्छी नहीं, वो जो चीज देखते उसी पे तनकीद करने बैठ जाते दोनों मियां बीवी। लगता ऐसे था कि जैसे कोई खुदा पे माजल्ला एहसान चढ़ाने आ गए। अब क्या हुआ कि जैसे जिलहज्जा के अयाम शुरू हुए, 5-6 जिलहज्जा का कोई वाकया होगा कि उसके खामिंद की तबीयत जरा खराब हुई, अस्पताल पहुंचा दिया गया। हॉस्पिटल वालों ने उसको बताया कि भाई ये माइल्ड हार्ट अटैक था, दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने उसको एक्सटेंसिव केयर यूनिट में रखा। हत्ता के वो दिन आ गया जब अरफात जाना था, तो यहां का एक दस्तूर है कि जो लोग हज की नीयत से आए हुए हों अस्पताल का अमला उनको अपनी जिम्मेदारी पे एम्बुलेंस के अंदर लेकर जाते हैं और वकूफ अरफात करवाकर फिर वापस लाते हैं और उनके साथ डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट सारी साथ होती है। यूं समझें कि एक छोटा सा हॉस्पिटल मूव करता है उनके लिए ताकि उनका हज हो जाए। तो
उन्होंने इसको कहा भी ये फॉर्म भर दो ताकि हम आपकी हज का इंतजाम कर दें। खाने साहब कहने लगे कि नहीं, मुझे ये फॉर्म नहीं भरना। क्यों नहीं भरना? तो जी मैं चला था वहां से हज करने, खुदा का घर देखने, अल्लाह मियां ने मुझे क्यों हार्ट अटैक किया? सोच देखिए कि मैं तो उसका घर देखने आया था, फिर उसने क्यों मुझे दिल का दौरा दिया? लिहाजा मुझे अब अरफात नहीं जाना। डॉक्टर मिन्नते कर रहे हैं कि साइन कर दें, हम आपको वकूफ़े अरफात करवाएंगे। उन्होंने कहा नहीं। जब उसने नहीं की तो डॉक्टरों ने उसकी बीवी से कहा कि आप तो खेमे में हैं, जो मुअल्लिम है उसकी इमारत में, एयर कंडीशन कमरे में, आप साइन कर दें ताकि आपको हम वकूफ़े अरफात करवा कर वापस लाएं। बीवी ने कहा नहीं, मुझे भी अरफात ही जाना। चुनाचे वकूफ़े अरफात सारे लोग करके आ गए, न उस बीवी ने किया न उस खामिन ने किया, और हज किए बगैर दिल आके वो यहाँ से वापस खाली चले गए। हसरत है उस मुसाफिर मुस्तर के हाल पर, हसरत है उस मुसाफिर मुस्तर के हाल पर जो थक के रह गया हो मंजिल के सामने। मंजिल भी सामने है और तौफीक छिन गई। तो अपनी आंखों से देखा हमने, जो माल के नाज पर आते हैं अल्लाह करीब लाके उनको महरूम वापस लौटा देते हैं। इसलिए इस चीज का ताल्लुक आमाल के साथ है, तलब के साथ है। जितनी तलब होगी उतना अल्लाह रास्ते खोलेंगे, एक दफा नहीं बार बार के लिए रास्ते खोलेंगे। आप अच्छे अंदाज से उम्रा करें, अच्छे अंदाज से यहां वक्त गुजारें, अल्लाह आपके लिए बार बार के रास्ते खोल देंगे। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जी कैसे तरीका है बार बार हज उम्रा करने का। छोटी सी मिसाल, स्कूल का अगर हेडमास्टर है ना, और उसने क्रिकेट की टीम के प्लेयर्स के नाम लिखने हैं, तो जो अच्छा खेलने वाला होगा ना, उसके लिए उसको किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं होती, उसका नाम वो पहले ही लिख लेता है। मशवरे की बात वहां आती है जहां इतने अच्छे प्लेयर नहीं होते, यार इसको रखें या ना रखें। जो अच्छा खेलने वाला, स्कोर बनाने वाला, बॉलिंग करवाने वाला होता है, पहले ही इसका नाम लिख देता है, यार इन्होंने तो आना ही है, ये तो है ही सही। एग्जैक्ट यही मिसाल है कि जो आकर हरम में अपनी निगाह की हिफाजत करता है, अल्लाह की याद के साथ वक्त गुजारता है, आदाब हरम का ख्याल रखता है, इबादत यकसुई के साथ करता है, अपने अल्लाह के सामने सर नियाज झुका देता है, फिर अल्लाह ताला आइंदा साल के हज्जों और उम्रों में उसका नाम पहले ही लिखवा देता है। तो हम यहां पर तलब के साथ अपना वक्त गुजारे। आने वाले किस किस तलब के साथ यहाँ आए, अल्लाह अकबर, पढ़ते हैं बातें हैरान हो जाते हैं। चुनाचे कहते हैं कि इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह ने इरादा किया बलख से उम्रे पर आने का, हाजिरी देने का। चुनाचे जब वो सफर पर निकले तो अजीब बात है, एक कदम उठाते और मुसल्ला बिछाकर दो रकत नफल पढ़ते हैं, फिर अगले कदम पर मुसल्ला बिछा के फिर दो रकत नफल पढ़ते हैं। हर हर कदम पर दो दो रकत नफल पढ़ते पढ़ते 2.5 साल के अरसे में वो यहां बैतुल्लाह पहुंचे। 2.5 साल मकाम इब्राहिम पे आकर तवाफ के बाद दो रकत नफल पढ़े और दुआ मांगी, अल्लाह लोग तो पांव से चल के तेरे घर की तरफ आते हैं, मैं तो पलकों के बल चल के तेरे घर की तरफ आया।
क्या अल्लाह की मोहब्बत होगी उनके दिलों में जो पलकों के बल चल के अल्लाह के घर तक पहुंचे। वाकई जिसने हर कदम पे सजदे किए होंगे वो तो पलकों के बल चल के आया। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं कि ये अपने उम्रे से पारे हुए तो इन्होंने क्या देखा कि एक बूढ़ी औरत है और वो हरम में आई और उसके ऊपर तजल्लियात के साफिया कबरूत नूर की बारिश उसके ऊपर हो रही है। जैसे तजल्लियात बैतुल्ला पर थी हूबहू वही तजल्लियात उसके दिल पर वारे। पूछा कौन? बताया गया राबिया। तो इब्राहिम अदम हैरान हुए और जाकर कहने लगे कि मैं तो हर हर कदम पर दो दो रकत पढ़कर यहाँ पहुंचा और मुझे भी ये मकाम न मिला कि ये तजल्लियात मेरे ऊपर आती जो तुझ पर उतरी। आखिर तू कौन सा अमल करके आया? तो राबिया ने दो हरफों में बात समेट दी। उसने कहा इब्राहिम तू यहाँ सरे नियाज लेकर आया है, मैं यहाँ दिले नियाज लेकर आई हूँ। तू झुकने वाला सर लेकर आया है, मैं झुकने वाला दिल लेकर आई हूँ। अल्लाह जितनी आजजी के साथ कोई आया इस बारगाह में उसका उतना ही ज्यादा इस्तकबाल होता है। बंदे को बंदगी सजती है, झुके अल्लाह के सामने जितना झुका सके। तो देखो आने वालों ने तो यहाँ तक सफर किए। मालिक इब्न दिनार का वाकया तो आप सुन ही चुके हैं। फरमाते हैं कि गर्मी का मौसम, दोपहर का वक्त, चिलचिलाती धूप, इतनी सख्त गर्मी थी कि परिंदे भी दरख्तों के पत्तों में छुपकर बैठ गए और चौपाए भी बैठ गए, इंसान भी अंदर साये में बैठ गए। बाहर किसी चीज का नाम निशान नजर नहीं आता था। कहते हैं किसी जरूरी काम के लिए मुझे बाहर निकलना पड़ा। मैं गली में गया लेकिन सूरज जैसे आग बरसा रहा हो। मैं गली में से गुजर रहा था, मैंने एक नौजवान को देखा जो दोनों टांगों से माजूर, वो ऐसे घिसटता घिसटता आगे आ रहा है। मैंने करीब से उसको देखा, पसीने में उसके कपड़े भीग के गीले हो चुके थे और सूरज की धूप की शिद्दत की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, जैसे धूप ने उसके खाल को जला के रख दिया। और वो आगे आगे बढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि नौजवान तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा मैं हज पे जा रहा हूं। मैंने कहा भाई मेरे घर है, थोड़ी देर के लिए ठहर जा, जब दोपहर की धूप खत्म हो जाएगी तो तू फिर आगे चले जाना। उसने कहा मालिक इब्न दिनार तू तो पांव के जरिए आराम से चलता है, सफर तय हो जाता है, मैं तो एक एक इंच घिसट घिसट के आगे बढ़ता हूँ, मुझे वक्त ज्यादा लगता है। मुझे इस बात का डर है कि अगर मैंने रास्ते में रुकना शुरू किया तो ऐसा ना हो कि उधर अय्याम हज शुरू हो जाएं और इधर मेरा सफर ही कहीं खत्म ना हो। इस डर की वजह से मैं रुकता नहीं, मैं जाऊंगा। कहते हैं मैंने उसे मशवरा दिया कि नौजवान मैं तेरे लिए कोई सवारी को बंदोबस्त कर देता हूँ, सवारी पे सवार होके जल्दी चले जाना। कहने लगे जैसे मैंने ये कहा उस नौजवान ने गुस्से की निगाहों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि मालिक इब्न दिनार मैं तुझे बड़ा कलमन समझता था, ये क्या तुमने बात की? ये बताओ कि अगर कोई गुलाम अपने आका को नाराज कर बैठे और फिर वो इरादा करे कि मैं अपने मालिक को जाकर मनाऊं, तो बताओ उस गुलाम को सवारी पे जाना अच्छा लगता है या उसको घिसट घिसट के मालिक के दर पर पहुंचना अच्छा लगता है?
लगे मैंने उस नौजवान की बात सुनी, हैरान हो गया, वो नौजवान चला गया। फरमाते हैं कि अल्लाह की शान देखें कि उसी साल अल्लाह ने मेरे लिए भी हज का सफर आसान कर दिया, मैं भी हज में शरीक हुआ। जब मैंने रमिया जिमार की, पहले दिन जब वापस अराफात में लौटते हैं तो उस वक्त का बड़ा अमल शैतान को कंकरियां मारना, फिर उसके बाद कुर्बानी करना, हलक करवा के इहराम उतारना। कहने लगे जब कंकरियां मार के मैं फारिग हुआ तो मैंने लोगों को देखा कि हुजूम है। मैंने पूछा क्या है, क्या मसला? उनका जी बात यह है कि एक नौजवान है जो दुआएं मांग रहा है और सब लोग सुन रहे हैं उसकी दुआ को। मैंने कहा यार जरा मुझे भी रास्ता दोना। उन्होंने रास्ता दिया। कहने लगे मैंने देखा वही नौजवान, अपाहज, माजूर नौजवान, एहराम बांधा हुआ है और अल्लाह के सामने दुआएं कर रहा है और दुआ में ये कह रहा है कि अल्लाह तेरी दी हुई तौफीक से मैंने तेरे घर का दीदार किया, मैंने मकाम अराफात पे भी वकूफ किया, मुज़दलिफा में भी वकूफ किया, ऐ अल्लाह अब मैंने शैतान को कंकरियां मारकर उससे अपनी नफरत का इजहार भी कर दिया, अब कुर्बानी का वक्त है। ये जो लोग खड़े हैं ये सब साहिब इस्तेदाद लोग हैं, ये जाएंगे और जाकर जानवरों को कुर्बान करेंगे और मौला तू जानता है कि मैं फकीर इंसान हूँ, एहराम के कपड़ों के सिवा मेरे पास कुछ नहीं, ऐ मेरे मौला मैं इस वक्त अपनी जान आपके नाम पे कुर्बान करना चाहता हूँ, अल्लाह मुझसे ये मेरा नजराना कबूल कर लीजिए। कहते हैं उस नौजवान ने ये कहकर कलमा पढ़ा और अपनी जान अपने रब के हवाले कर दी। इन मोहब्बतों के साथ आने वाले इन जगहों पर आए, आप सोचें क्या हमारे दिलों में आज वो कैफियतें हैं, वो मोहब्बतें हैं? हम तो वक्त की कदर नहीं कर पा रहे जो करनी चाहिए थी। ये ज़हन में रखें कि हम इस वक्त अपनी जिंदगी का अनमोल वक्त गुजार रहे हैं, प्राइम वक्त गुजार रहे हैं अपनी जिंदगी का। मालूम नहीं ये वक्त किसको फिर मिले और किसको न मिले, इस वक्त की कदर करनी चाहिए, एक एक लम्हे की कदर करें। ऐसा कीमती वक्त है, एक लम्हे की दुआ कबूल हो इंसान को विलायत बनाने के लिए, वली बनाने के लिए वो काफी है। एक लम्हा इंसान को वली बनाने के लिए काफी है। ऐसी जगह पर हाजिर है, हमें अपने रब से मांगना चाहिए, इबादत को शौक जौक के साथ निहायत खुशी व खुजू के साथ करना चाहिए, इसलिए कि हम अपने महबूब हकीकी के इस घर की तरफ आए। अब देखने में तो ये घर है और घर ही का तवाफ करते हैं, लेकिन हकीकत में तो मोहब्बत घर वाले की खींच लाई है ना। मजनू ने कहा था अतूफ अला जिदार दियार लैला, मैं लैला की गलियों का तवाफ करता हूँ, उकब्बिलु ज़ल जिदार व ज़ल जिदारा, इस दीवार को बोसे देता हूँ, कभी इस दीवार को बोसे देता हूँ, वमा हुब्बु दियार शगफ़ क़ल्बी, और इस घर की मोहब्बत ने मेरे दिल को नहीं खींचा, वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियार, जो इस घर में रहने वाला है उसकी मोहब्बत ने मेरे दिल को बेखुद कर दिया है। तो हम जो यहाँ आए तो ये पत्थर के घर ने तो नहीं ना खींचा, इसलिए फरमाया फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करो, उस रब की इबादत के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मकसूद तो हमारा वो है। अल्लाह अकबर। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा तवाफ कर रहा था,
एक नौजवान लड़की को देखा जो तवाफ कर रही थी मगर अशआर ऊंचे आवाज से पढ़ रही थी और वो अशआर ऐसे आशिकाना थे कि जैसे कोई मुहिब अपने महबूब की जुदाई में तरस गया हो, तड़प गया हो और अब मिले बगैर उसे चारा ना हो। कहने लगा जवान उम्र लड़की थी और ऐसे अल्फाज उसकी जुबान से सुनकर मुझे महसूस हुआ कि इसको ऊंचा तो नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैंने उस लड़की को टोका। मैंने कहा तू जवान उम्र लड़की है और ऐसे आशिकाना अशआर, ऐसे बहुत ही मोहब्बत भरे अल्फाज इस तरह ऊंची आवाज से पढ़ना तुम्हारे लिए जेब नहीं देता, मुनासिब नहीं। कहने लगा जब मैंने उससे ये बात कही तो उसने मुझसे एक काउंटर क्वेश्चन किया, कहने लगी कि हसन ये बताओ इस घर का तवाफ कर रहे हो या घर वाले की तजल्लियात का तवाफ कर रहे हो। उसने क्वेश्चन पूछा घर का तवाफ कर रहे हो या घर वाले की तजल्लियात का तवाफ कर रहे हो। मैंने उसे कह दिया मैं तो इस घर का तवाफ कर रहा हूं। कहने लगे जब मैंने ये कहा तो वो मुस्कुराई और कहने लगी हसन जिनके दिल पत्थर होते हैं वो पत्थर के घर का तवाफ करते हैं और जिनके दिल जिंदा होते हैं वो इस घर की तजल्लियात वाले का तवाफ करते हैं। अल्लाह अकबर करते आने वाले किन मोहब्बतों के साथ आए और उन्होंने कैसे वक्त गुजारा। ये वही बैतुल्लाह है, वही तजल्लियात हैं, वही परवरदिगार। हमें अल्लाह ने जिंदगी में मौका दे दिया, इस मौके को गनीमत समझकर तहज्जुद में हम अल्लाह से मांगे, नमाजों के बाद मांगे, तिलावत के बाद मांगे। अल्लाह हमारे हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैंने जिंदगी के एक हज में ऐसा किया कि बैतुल्लाह के सामने बैठकर कुरान की तिलावत करता था, हर आयत को पढ़कर। वो आयत जैसी होती अगर बशारत वाली होती तो अल्लाह से जन्नत मांगता, अगर डराने वाली होती तो जहन्नम से पनाह मांगता। फरमाने लगे हर हर आयत पढ़कर दुआ मांगते मांगते बिल आखिर मैंने अलहम से वन्नास तक कुरान मुकम्मल किया। अल्लाह अकबर कर हमारे बुजुर्गों ने ऐसा वक्त हरम में गुजारा है, हम भी कुछ कोशिश कर लें, चलें पूरा कुरान न पढ़ें तो कुरान पाक की कोई एक सूरत ही ऐसे पढ़ लें, इस कैफियत के साथ पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही कैफियत के साथ, मोहब्बत के साथ, शौक के साथ बैतुल्लाह शरीफ में अपना वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए मुराक़बे पर जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हटकट के अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में डूब जाइए। जाइए काबिल न था, तू
तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने सा किया, डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने सा किया। मुल्तज़िम पे है लगाया, मैं तो इस काबिल न था। मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया, मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया। जाम जमजम का पिलाया, मैं तो इस काबिल न था। तेरी रहमत तेरी शफ़क़त से हुआ मुझको नसीब, तेरी रहमत तेरी शफ़क़त से हुआ मुझको नसीब। गुम्बदे खज़रा का साया, मैं तो इस काबिल न था। बारगाहे सैयदुल कौनैन में आकर नफीस, सोचता हूँ कैसे आया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعا کر لیجئے سبحان ربی العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. میرے مالک آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں اس عظیم جگہ حاضر توفیق عطا فرمائی، ہمیں غفلت سے محفوظ فرما، بے ادبی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرما. میرے مولا ہماری حاضری کو قبول فرما، رب کریم ہماری حاضری کو قبول فرما. مولا ہم نے دامن پھیلائے ہیں امیدوں سے بڑھ کر، اس دامن کو بھرپور فرما. اے اللہ ہماری نیک مرادوں کو پورا فرما. اللہ آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہم آپ سے معافیاں مانگنے کے لیے آئے ہیں. اے رب کریم رحمت کی نظر کر دیجئے، اے کریم آقا رحمت کی نظر ڈال دیجئے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اے مولا مہربانی فرما دیجئے، ہم آج مسکینوں کی حاضری قبول کر لیجئے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے. اے کریم آقا دنیا دار لوگ بھی گھر آئے کا لحاظ کر لیتے ہیں، میرے مولا آپ تو مالک الملک ہیں، حنان ہیں، منان ہیں. مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو دھو دیجئے، دلوں کو منور فرما دیجئے، دلوں کو اپنی تجلیات سے بھر دیجئے، اپنی محبت سے دلوں کو بھر دیجئے. اے اللہ کمینی دنیا کی محبت دل سے نکال دیجئے اور اپنی محبت سے دلوں کو متحلہ معطر فرما دیجئے. رب کریم ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں
ہمیں تا آپ کی نصیب فرما. اے اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے محبوب تشریف لائے. اے اللہ اس جگہ پر اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے, رحمت کا معاملہ کر دیجئے. اے اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما, کبھی بھی بے آسرا نہ فرما. میرے مولا ہم ناپ تول کے قابل نہیں ہے, اللہ ہمیں ناپ تول سے محفوظ فرما, فتنے فساد سے محفوظ فرما, آزمائشوں سے محفوظ فرما, ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما, رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما. آپ کے مقبول بندوں نے یہاں آ کر جو نعمتیں مانگی وہ سب نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما, اور جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ.